मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाह रहा था कि देखें ये पार्लियामेंट है और नहायत ही पढ़े लिखे और कानून से वाकफ माहिर कानून यहाँ पर तशरीफ फरमा हैं, बड़े सीनियर साथी। अगर हमने माहौल को इस तरह चलाना है तो क्या हम में से कोई भी ये समझेगा कि जिस मकसद के लिए हम आए हैं वो हम पूरा कर सकेंगे, या अपना तमाशा हम दुनिया को दिखा रहे हैं? मेरे भाई हैं, सब हम एक ही हैं, एक ही सोसाइटी के लोग हैं, हम सारे एक बरादरी के साथ ताल्लुक रखते हैं, हम सियासतदान हैं। तो हमें, मैं समझता हूँ कि अब काफ़ी हो चुका है, पुलों के नीचे से बहुत पानी गुजर चुका है, हमने अपना बहुत नुकसान कर लिया है। अब भी अगर आप चाहते हैं कि कुछ बचा है, जो रह गया है उसका अगर आपने करना है कि जातियात पर हमले करके एक दूसरे को अंगेक्त करके एक दूसरे को प्रोवोक करके, तो फिर क्या आप ये चाहेंगे कि एक ठहरो यार, तुम्हारा लीडर भी है, सुनो मेरी बात सुनो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी के लीडर के बारे में गलत बात करेंगे तो आपके लीडर को भी कोई नहीं बख्शेगा। तो मेहरबानी फरमा के बाबा, देखें मैं चेयरमैन साहब आपसे ये गुजारिश करूँगा, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप अपने इन दोस्तों को जो पहली दफा आए हैं इनको थोड़ा सा ट्रेंड करें, इनको सलीका सिखाएं, बात करने का तरीका सिखाएं। सिर्फ ये गलत बात है कि आप अटैक कर देंगे किसी पर तो क्या इधर से फिर अटैक होगा? फिर ये कंपनी मुझे चलने वाली नजर नहीं आ रही है, सच्ची बात।